हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो यहाँ मैं छत पे आई थी तो मैंने सोचा कि चलो फूल तोड़ लेती हूँ पूजा के लिए। तो यहाँ मैं फूल तोड़ रही हूँ और बहुत ही सुंदर लग रहे थे फूल। और मॉर्निंग का जो मौसम था बहुत ही प्यारा था। और जब सुबह सुबह उठो ना और मौसम बहुत ही सुहावना होता है, बारिश का मौसम होता है और बादल काले होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर ऐसा लगता है कि चलो थोड़ी देर छत पे ही बैठ जाओ, बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ आप देख सकते हैं गमले के पास थोड़ी गिट्टी वगैरह है, तो इसको थोड़ा सा माइंड मत लीजिएगा, क्योंकि जो घर है वो बन रहा है अभी मेरा, तो छत पे भी बनना बाकी है, तो इसलिए मोरंग गिट्टी इस समय रखी हुई है। और जो गमले हैं वो इसे साइड में लगा दिए गए हैं, जो पूरी तरीके से बन जाएगा तो अच्छी तरीके से हम लोग इसको सजा के रख देंगे। तो यहाँ मैंने गणेश जी को स्थापित कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ उनकी पूजा करने के लिए। और इस बार जो है हम लोग गणेश जी नहीं ले पाए, तो हम लोग घर में ही बना के उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ में 3 दिन का लॉकडाउन बहुत बहुत ही भयानक रहता है, मतलब बहुत बड़ा लॉकडाउन रहता है सैटरडे संडे तक। तो नहीं जा पाए हम लोग, जाने का तो छोड़िए, कहीं मिल ही नहीं रहा था, कहीं भी गणेश जी की प्रतिमा नहीं मिल रही थी। तो मैंने क्या किया, घर में ही गणेश जी बनाया और उसके बाद वहीं हम घर में ही हमने पूजा भी कर लिया। और हर साल हमारे यहाँ गणपति पप्पा आते हैं, हम लोग उनकी पूजा भी करते हैं। बल्कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने अपना YouTube चैनल जब स्टार्ट किया था, मतलब जब हम मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया था, तो जिस दिन शुरू किया था तो उस दिन गणेश चतुर्थी ही थी। और उस दिन मैं बहुत ही शुभ दिन था, तो मैंने सोचा कि चलो आज के दिन से ही मैं अपना ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ। आप लोग वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, वो मेरा पहला वीडियो है जो मैंने अपलोड किया था YouTube चैनल पे। तो जो मैंने गणेश चतुर्थी का वीडियो बनाया है, पहला ब्लॉगिंग जो मैंने शुरू की थी, अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग देख सकते हो। और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि आप लोग को कैसा लगा मेरा वो वीडियो। और आप लोग सच्ची में देखिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची। जय देव जय देव, सर्वांगी सुंदर उठी सिंदूराची, कंठी जके माल मुक्ता फलाची। जय देव जय देव, जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव, जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। तो बस मैंने अपने गणपति बप्पा की आरती कर ली है और अब मैं जाऊंगी किचन में और अपना जो है ब्रेकफास्ट शुरू करूंगी और अपना जो काम है वो भी स्टार्ट करूंगी, जो रेगुलर एक हाउसवाइफ का काम होता है, बस अब वो स्टार्ट होने वाला है। तो बस मैं जा रही हूँ अपनी किचन में, यहाँ मैं सब समेट के रख दूँगी जो इधर उधर फैला है, सारे जो बर्तन है भगवान के वो मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि इस पर धुल के फिर इवनिंग की पूजा का भी मुझे तैयारी करना रहेगा। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और अभी ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पकौड़ा। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है और यहाँ मैं कर रही हूँ आलू को फ्राई। तो सबसे पहले मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला था और उसके बाद मैंने लाइट मतलब आधा आधा चम्मच सारे मसालों को मैंने इसमें ऐड किया है और बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट, ज़्यादा मसाला ना रहे, बस थोड़ा थोड़ा मसाला हम इसमें ऐड करेंगे तो आलू बहुत ही टेस्टी बन के निकलती है। तो यहाँ मैं 2 से 4 चम्मच बेसन ले रही हूँ, इससे क्या, क्योंकि गाढ़ा घोल बनाना है मुझे, तो इसके लिए मुझे थोड़ा बेसन ज़्यादा चाहिए होता। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून टर्मरिक मतलब हल्दी और थोड़ा सा मैंने मतलब आधा चम्मच समथिंग आप समझ लीजिए, मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दी हूँ। वैसे गरम मसाला आप ना ही डालो तो भी ठीक रहेगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए मैंने गाढ़ा घोल बनाया है, क्योंकि जो ब्रेड पकौड़ा होता है ना, जब आप इसको पीसेस में काटोगे तो जब उसमें आप डिप करोगे तो उसमें बेसन पूरे अच्छी तरीके से उस बेसन का लेयर लग जाना चाहिए। तो मैंने लिया है ब्रेड को मैंने 4 भागों में कट कर लिया है और उसके बाद मैं उसको
और दो चार भागों में कट करूँगी, और थोड़े छोटे मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ, क्योंकि बड़े ब्रेड पकौड़े तो अच्छे तो लगते हैं लेकिन छोटे छोटे बहुत जल्दी बन जाते हैं, और बड़े जब आप बनाते हो तो उसमें कढ़ाई में बनाने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा छोटे छोटे कट किए हैं पीसेस। मैंने ब्रेड को चार चार पीसेस में कट कर लिया है, और उसके बाद मैं इसमें आलू भर रही हूँ, और सारे मतलब ब्रेड में पहले मैं आलू भर लूँगी, मतलब दो चार पाँच में मैं भर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं उसमें दो दो टुकड़े करूँगी, मतलब आधा करूँगी दो ब्रेड में, उसके बाद मैं इसको बेसन में डिप करूँगी, उसके बाद मैं ब्रेड पकौड़ा बना लूँगी। तो मैंने ब्रेड पकौड़े को ऑयल में ऐड कर दिया है, बस वो धीमी आंच में पक रहा है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा मतलब ब्रेड में आलू भरने लगी तो दीदी यहाँ पे आ गई थी, तो मैंने कहा दीदी थोड़ा सा आप तल दीजिए, तो यहाँ दीदी तल के उसको निकाल रही हैं, और शुभी आप लोगों को हेलो कर रही है, और दीदी जब आ जाती हैं किचन में तो हम लोग हंसते हैं, थोड़ा बातें करते हैं, और कब काम हो जाता है पता भी नहीं चलता, मतलब टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, हम लोग दोनों लोग बातें करते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। और तो आप लोगों में एक का कमेंट आया था कि मतलब आपकी दीदी को क्या हुआ है, तो बस नॉर्मल सा मतलब उनको कुछ ऐसे दिक्कत हो गई थी, तो थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक हैं, अब जहाँ तक है वो ठीक हैं। तो ये देखिए साइड में मैं यहाँ चाय चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ सब ब्रेड पकौड़े खा रहे थे, और यहाँ मैं चाय को छान रही हूँ, मतलब चाय हमारी बन के रेडी हो चुकी थी, तो बस पकौड़े के साथ मैं चाय मैं दे रही हूँ, और आइए आप भी चाय पी लीजिए और ब्रेड पकौड़े खा लीजिए। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, तो अब मैं भी चली ब्रेकफास्ट करने, ये लिया है मैंने चटनी, और ये रहा मेरा ब्रेड पकौड़ा, और ये हरी चटनी मैंने नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं अवेलेबल थी, तो सिर्फ मैंने टमाटर की चटनी बनाई है और वो भी बहुत अच्छी बनी थी, इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दिया था, और ये रहा मेरा ब्रेड पकौड़ा। और चलिए मैं थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ साथ ही साथ मैं श्रीयू को भी खिला रही थी, श्रीयू थोड़ा दूर बैठी थी तो इसलिए मैं उसको थोड़ा झुक झुक के खिला रही थी, तो यहाँ मैं भी खा रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट अपने कर लिया, और यहाँ मैं बना रही हूँ लंच। लंच के लिए मैं बना रही हूँ दाल मखनी, तो मैंने दाल सारी भिगो के रखी थी। दाल मखनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मैंने आप सबसे शेयर की हुई है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, और जो मेरे चैनल पे नए हो वो चैनल मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, अगर पसंद आए वीडियो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और चलिए, तो यहाँ मैं बना रही हूँ दाल मखनी, तो उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है। तो जब तक हमारी दाल बॉयल हो रही है तब से मैं यहाँ बनाऊँगी आलू परवल की सब्ज़ी। तो आलू परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आलू और परवल ऑलरेडी कट करके रख लिए हैं, और इसमें मैंने डाला मस्टर्ड ऑयल, और सबसे पहले मैं आलू और परवल को फ्राई करूँगी, क्योंकि जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ परवल की तो उसको एक बार ज़रूर मैं तल के निकाल लेती हूँ, इससे सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, और अगर मैं उसको नहीं तलती हूँ तो बहुत ही परवल थोड़ा कच्चा रह जाता है, और वो मेरे घर में किसी को नहीं पसंद आता है। तो यहाँ मैंने परवल और आलू को फ्राई करके रख लिया है, और यहाँ मैंने प्याज और लहसुन को पीस के रख लिया था, मतलब उसको चॉप कर लिया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल मैंने कढ़ाई में डाला है, उसके बाद सारे मसाले को जो मैंने प्याज पीसा होता है उसमें ऐड कर दिया है, उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी, जो रेगुलर आप सब्ज़ी में मसाले ऐड करते हो बस वही उसमें डालना होता है, तो मैं इसमें सारा डाल दूँगी। यहाँ साइड में बन मतलब दाल बॉयल हो चुका है, तो यहाँ दीदी यहाँ साइड में बनाएंगी दाल मखनी, और क्योंकि गेस्ट आए हुए थे तो बहुत जल्दी जल्दी खाना मतलब बनाना था लंच, तो मैंने सोचा कि चलो एक साइड बन जाएगा दाल मखनी और एक साइड में सब्ज़ी बना ही रही हूँ। तो बस मैंने सब्ज़ी को अच्छी तरीके से मैंने सारे मसाले को फ्राई कर लिया है, और मैं इसमें डालूँगी आलू और परवल जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ है, मतलब डीप फ्राई किया है, और यहाँ दीदी बना रही है दाल मखनी। दाल मखनी आप अगर देखना चाहते हैं रेसिपी तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो।
सो फ्रेंड्स, तो ये रहा मेरा लंच, तो मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। तो ये रही मेरी दाल मखनी, और ये रही रोटी, और ये रहे आलू परवल की सब्ज़ी, थोड़ी मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी तो वो भी मैंने रख लिया है, और ये रहा मेरा राइस। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में, और सब ने लंच कर लिया है, और हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, मतलब जीजा जी लोग आए थे, तो हम लोगों ने गेस्ट आए थे तो बस उन्हीं के लिए हम लोगों ने ये। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ और अपने रूम में आई हूँ, और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लिया जाए। क्या हुआ बेटा? ये देखो, यहाँ देखो मम्मा, मुझे भी लगाना है लिपस्टिक, तो मैंने थोड़ा सा इनको लगा दिया, लेकिन हमारे यहाँ बहुत डांट पड़ती है अगर लिपस्टिक वगैरह लगा दो बच्चों को, तो मैंने लगा तो दिया इनके जीत पे, लेकिन मैं कभी इनको लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती हूँ, और क्योंकि टाइम हो रहा है आफ्टरनून के, वो हो रहे हैं 1:30। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जो आप लोगों को 30 का ब्लॉग अच्छा लगा, और मुझे बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे कमेंट्स भी आए आप लोग, और कुछ लोगों ने तो मेरी कमियाँ भी बताई, तो उसके लिए थैंक यू। तो इस बार जो मैं नहीं कर पाई वो अगली बार और अच्छे से करूँगी इवनिंग के टाइम। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको इवनिंग की चाय के साथ, और तब तक के लिए बाय। और इस समय मैं जा रही हूँ श्रीयू को सुलाने के लिए, तो चलिए तब मैं मिलती हूँ आपको इवनिंग में। ओके, सो फ्रेंड्स, तो अब मैं मिल रही हूँ आपको इवनिंग के 5 बजे, और यहाँ मैं पोहे मैंने बना लिए थे, तो यहाँ मैंने साइड में रख दिया है चाय। जब भी मैं कोई भी नाश्ता बनाती हूँ ना, तो साइड में फटाफट मैं चाय रख देती हूँ, क्योंकि सबको चाय चाहिए होता है, तो इसलिए मैं यहाँ चाय रख देती हूँ। और कभी कभी मेरा तो ऐसा मन हो जाता है ना कि मेरा चाय पीने का मन करता ही नहीं है, और सब कहते हैं कि आ जाओ तुम भी चाय पी लो, नाश्ता कर लेती हूँ, बट पता नहीं क्यों गर्मी के कारण या किस, कभी कभी चाय नहीं पीने का मन करता है। और मैं इतनी आदी भी नहीं हूँ चाय की कि जैसे मैं चाय नहीं पीऊँगी तो रह ही नहीं सकती हूँ, और या फिर सर दर्द होने लगता है, तो ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है। तो जब मन करता है तो चाय पी लेती हूँ, और नहीं करता है तो फिर नहीं पीती हूँ। और यहाँ मैं सबके लिए पोहे निकाल रही हूँ, तो सबको मैं जा रही हूँ पोहे सर्व करने। और वैसे भी चाय बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं होती है, अगर इंसान चाय छोड़ दे तो आधी बीमारी वैसे ही चली जाती है। और यहाँ मैं मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ विदाउट शुगर, बल्कि ठीक होता है, आप विदाउट शुगर चाय पियो या फिर ब्लैक टी पियो, ब्लैक टी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ, लेकिन मुझे नींबू की चाय बहुत पसंद है, और मैं पहले बनाती थी, पहले ब्लॉगिंग करती थी शुरू में, मतलब शुरुआत जब मैंने किया था तो मैं नींबू की चाय ज़रूर बनाती थी, और इस बार मैं थोड़ा नहीं बना रही हूँ, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ नींबू की चाय कि मैं पीती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे चाय सर्व कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, तो मैंने कपड़े चेंज करके अब मैं आ गई हूँ मंदिर में इवनिंग के दिया बत्ती करने के लिए। तो यहाँ पढ़ रही हूँ मैं गणेश चालीसा, उसके बाद मैं करूँगी गणेश जी की आरती, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, तो ये आया था चॉकलेट श्रीयू के लिए, क्योंकि बर्थडे में मेरा भाई नहीं आ सका था, तो उसी ने इसके लिए गिफ्ट भेजा है। तो ये है चॉकलेट, श्रीयू का बर्थडे था ना, तो वो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है, तो बस उसी का ये गिफ्ट है, ये मेरे भाई ने भेजा है दिल्ली से। तो इसका जो पैकिंग है वो मैं आपके सामने मैंने नहीं दिखाया, मतलब जो इसका बॉक्स था जिसमें ये पैक था उसको मैंने बाहर ही निकाल के फेंक दिया था, और इसको मैंने रख दिया था, और एक दिन मैंने इसको छुआ ही नहीं, ये 30 के दिन ही आया था, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी बट मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में शेयर कर दूँगी। तो ये इतने सारे जो चॉकलेट्स हैं मेरे भाई ने भेजा है अपनी भांजी के लिए गिफ्ट में, क्योंकि वो आ नहीं पाया, वहाँ दिल्ली में है और कोरोना में वो नहीं आया, सोचा कि चलो मैं पहले नहीं शेयर कर पाई तो मैं आज मैं शेयर कर देती हूँ। तो चलिए आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को मेक श्योर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।